Hello students, welcome back to my YouTube channel Barut English Hub. This is Rajni. Today we are going to discuss our point number 10th of BA second sem semester 3rd. तो देखिए ये poem है जो इसका नाम है The Bengal Sailors, written by Sarojini Naidu. तो देखिए Sarojini Naidu जिन्हें बुलबुले हिंद यानी कि भारत कोकिला के नाम से भी जाना जाता है. तो देखिए Sarojini Naidu है जो इनके जन्म की बात करें तो देखिए Sarojini Naidu के बारे में हम पहले पढ़ेंगे और इनके द्वारा रिटन जो हमारी पोइम है सिलेबस में उसको हम बाद में पढ़ेंगे क्योंकि पहले हमें पोइट के बारे में हमारी पोइटस के बारे में जानना जरूरी है. तो देखिए Sarojini Naidu है जो इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ था हैदराबाद में. अब देखिए ये इंडियन पोइटस है हैदराबाद में इनका जन्म हुआ था और इनका जन्म हुआ था 1879 में. 1879 में इनका बर्थ हुआ था हैदराबाद में और इनकी डेथ हुई थी 1949 में. तो देखिए इनके गांधी के जन्म के बाद यानी कि 10 इयर्स लेटर गांधी के जन्म से इनका जन्म हुआ था यानी कि 10 साल बाद गांधी के इनका जन्म हुआ था. और 1949 यानी कि जब हमारी कंट्री को फ्रीडम मिले उसके 2 साल बाद इनकी डेथ हो गई. तो देखिए इनका जन्म जब हैदराबाद में हुआ था अघोरनाथ चट्टोपाध्याय इनके पिता तो इनके घर में अघोरनाथ चट्टोपाध्याय के घर में जब इनका जन्म हुआ था तो अघोरनाथ चट्टोपाध्याय है जो बहुत ही फेमस पर्सन थे हैदराबाद के जिन्होंने निजाम कॉलेज ऑफ हैदराबाद की भी स्थापना की थी. अब देखिए जो इनके फादर थे Sarojini Naidu के फादर अघोरनाथ चट्टोपाध्याय वो बचपन से ही चाहते थे यानी कि इनके बचपन से चाहते थे कि ये एक फेमस मैथमेटिशियन और फेमस साइंटिस्ट बने पर इनका इंटरेस्ट मैथमेटिक्स में साइंस में बिल्कुल भी नहीं था. ये स्टार्टिंग से ही पोइट्री की तरफ अपना लगाव रखती थी अपना झुकाव रखती थी. और देखिए क्या हुआ एक बार जब ये मैथ्स में एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही थी जो कि अलजेब्रा से रिलेटेड थी तो इनसे वो सॉल्यूशन नहीं निकल पाया जिसके कारण इन्होंने उसी वक्त मैथ्स और साइंस को क्विट कर दिया अपनी लाइफ से. ये पूरी तरह से प्रेरित हो गई पोइट्री लिखने के लिए और इन्होंने एक बहुत ही फेमस पोइम जो कि 1300 लाइन की थी 1300 लाइंस की थी जिसका नाम था लेडी ऑफ द लेक. तो लेडी ऑफ द लेक 1300 लाइंस की इनकी जो पोइम थी वो बहुत ही फेमस हुई जिसको इनके पिता ने हैदराबाद के निजाम के पास भेज दिया और उन्होंने इसके बदले वो बहुत ही खुश हुए इनकी जो पोइट्री थी उसको देखकर और उन्होंने इनको पैसा दिया ताकि ये अपनी स्टडी को आगे के लिए जारी रख सके. और ये कहाँ चली गई उनके द्वारा दिए गए कुछ मनी से रुपीज के थ्रू ये कहाँ गई ये गई इंग्लैंड के किंग्स कॉलेज में और वहीं जाकर इन्होंने आगे की स्टडी को जारी रखा. और वहीं पे इन्होंने इंडिया से साउथ इंडिया से एक व्यक्ति थे जिनसे इन्होंने मैरिज कर ली और उसके बाद क्या हुआ इन्होंने बहुत सी फेमस पोइट्री लिखी बहुत से फेमस पोइट्री कलेक्शन लिखे जिनमें से एक था द बर्ड ऑफ टाइम. तो देखिए ये पोइट्री कलेक्शन आपको याद रखना है द बर्ड ऑफ टाइम. आप अपने क्वेश्चंस में भी इनको इंक्लूड कर सकते हो द बर्ड ऑफ टाइम और सब टाइटल था इसका सॉन्ग्स ऑफ लाइफ डेथ एंड द स्प्रिंग. तो इस नाम से इन्होंने इस पोइट्री कलेक्शन को लिखा 1912 में इसको पब्लिश कर दिया गया. और देखिए जब ये पब्लिश हुआ तो इसी पब्लिकेशन में यानी इसी पोइट्री कलेक्शन में एक पोइम्स का कलेक्शन था ये इसमें ही क्या हुआ द बेंगल सेलर्स इनकी जो पोइम है ये पब्लिश हुई. तो द बेंगल सेलर्स पब्लिश हुई 1912 में. तो अब स्टार्ट करते हैं हम हमारी पोइम. तो देखिए ये बेंगल सेलर्स पोइम है जो Sarojini Naidu इसमें क्या कहते हैं तो उन्होंने इसमें क्या कहा है कि कुछ बेंगल सेलर्स हैं. तो देखिए नाम से ही पता चलता है कि कुछ बेंगल सेलर्स हैं हु आर गोइंग टू सेल देयर बेंगल्स इन द टेंपल फेयर. तो देखिए टेंपल में एक फेयर यानी कि मंदिर में एक मेला लगा हुआ है जिसमें ये बेंगल सेलर्स जो कि एक छोटे से विलेज से है वे कहाँ जा रहे हैं अपनी
बैंगल्स को सेल करने के लिए वहां जा रहे हैं, जिन्होंने कैरी किया हुआ है एक बहुत ही भारी भरकम सामान को, जिसमें क्या है, बैंगल्स है। और इन बैंगल्स को ये एक टेंपल फेयर में सेल करने के लिए जा रहे हैं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं पोइम। बैंगल सेलर्स आर वी। अब यहाँ पर एक स्पीकर, एक नरेटर है जो पूरी पोइम को वर्णन करता है, जो क्या कहता है, डिस्क्राइब करते हुए, हर चीज़ का डिस्क्रिप्शन देते हुए कहता है कि हम कौन हैं। वी आर बैंगल सेलर्स। बैंगल सेलर्स आर वी हु बेयर आर शाइनिंग लॉर्ड्स टू द टेम्पल फेयर। तो यहाँ पर एक बैंगल सेलर है जो आई ना कहकर, यानी मैं ना कहकर, हम वर्ड को यूज करता है, वी वर्ड को यूज करता है कि हम बैंगल सेलर्स। वो एक बैंगल सेलर नहीं है जो अपनी चूड़ियों को, अपने बैंगल्स को बेचने के लिए जा रहा है, बल्कि उसके साथ और भी बैंगल सेलर्स हैं। सेलर नहीं है वो, सेलर्स है, यानी कि बहुत से बैंगल सेलर्स है जो कहाँ जा रहे हैं, अपनी चूड़ियों को मंदिर में लगे हुए एक मेले में बेचने के लिए जा रहे हैं। और वो क्या कहता है यहाँ पर कि हम बैंगल सेलर्स शाइनिंग लॉर्ड्स, यानी कि चमकदार लॉर्ड्स, लॉर्ड्स मीन्स भार, यानी कि चूड़ियों का जो भार है, यानी कि चमकते हुई चूड़ियों को टेम्पल फेयर में, मंदिर में लगे मेले में सेल करने के लिए जा रहे हैं। यानी कि हमने बहुत ही भार उठाया हुआ है, इन चूड़ियों का भार उठाया हुआ है जो कि चमकदार चूड़ियाँ है, और इन चूड़ियों को हम कहाँ बेचने जा रहे हैं, हम मंदिर के एक मेले में बेचने के लिए जा रहे हैं। Who will buy these delicate bright rainbow tinted circles of light? अब यहाँ पर ये क्वेश्चन करते हैं, ये बैंगल सेलर है जो क्वेश्चन करता है कि जो हम ये चमकदार चूड़ियाँ बेचने के लिए जा रहे हैं, Who will buy, कि कौन खरीदेगा इनको। अब वो खुद ही क्वेश्चन करते हैं और फिर इनका जवाब देते हैं, कौन इन्हें खरीदेगा। Who will buy these delicate, delicate means प्लेजेंट, यानी कि सुहावनी लगने वाली, दिल को खुश करने वाली, ब्राइट, ब्राइट मीन्स शाइनिंग, चमकदार, रेनबो टिंटेड, रेनबो क्या होता है, इंद्रधनुष, जैसा कि इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, 7 कलर्स होते हैं, वही 7 कलर्स की इनकी क्या है, चूड़िया है। टिंटेड मीन्स कलर्ड, यानी कि कलर्स, रेनबो टिंटेड मीन कलर्ड, यानी कि इंद्रधनुष के कलर्स की जो चूड़ियां हैं उनके पास, वो कैसी है, उनका कंपैरिजन अब किया। देखिए यहाँ पर कंपैरिजन करते हुए ये कहते हैं बैंगल सेलर्स, सर्कल्स ऑफ लाइट, इनको ये, इन चूड़ियों को ये क्या कहकर बुलाते हैं बैंगल सेलर्स, वो कहते हैं सर्कल्स ऑफ लाइट, कि ये देखने में किसके जैसी है। अब देखिए किसके जैसी है, कंपैरिजन किया है, तो ये कैसी है, जैसे कि चक्कर होते हैं, सर्कल्स होते हैं। तो देखिए कुछ सर्कल्स होते हैं, आपने देखा होगा फेयर्स में, मेलों में जो बिकते हैं, ऐसे सर्कल्स होते हैं, लाइट होती है इन पर, यानी कि लाइट, चमकने वाले ये सर्कल होते हैं, और इनसे ही कंपैरिजन किया है इन बैंगल सेलर्स ने इन चूड़ियों का, कि जो इंद्रधनुष के रंगों जैसी ये चूड़िया है, जैसे कि कोई सर्कल हो लाइट का, यानी कि चमकदार कोई सर्कल हो लाइट का, ठीक वैसे ही कलर्स की हमारी ये चूड़ियां है जिनको हम मंदिर में, मेले में सेल करने के लिए जा रहे हैं। लस्टर्स टोकन्स ऑफ रेडियंट लीव्स, ये क्या है, लस्टर्स टोकन्स, लस्टर्स टोकन्स भी इन्होंने बैंगल्स के लिए ही यूज किया है। अब देखिए लस्टर्स टोकन्स क्या हुआ यहाँ पर, जो कि लस्टर्स मीन्स यहाँ पर क्या है, ब्राइट, चमकदार, जो कि वर्ड यहाँ पर यूज हुए हैं, ब्राइट एंड शाइनिंग, तो इनका ही सेम मीनिंग लस्टर्स में निकल कर आता है, कि जो ये चमकदार टोकन्स, टोकन्स मीन्स यहाँ पर बैंगल्स ही है, जो ये चमकदार चूड़ियाँ है, ऑफ रेडियंट लीव्स, जो कि जिंदगियों में, लीव्स मीन्स लाइफ्स में, यानी कि जिंदगियों में ये क्या लेकर आती है, रेडियंट, रेडियंट क्या होता है, एक चमक, लाल रंग की चमक, यानी कि खुशियाँ लेकर ये लोगों की जिंदगियों में आती है। यानी यहाँ पर साफ साफ बात करें तो जो बैंगल सेलर्स है क्या कहते हैं कि जो ये चूड़िया है, ये प्रतीक है, एक सिंबल है, किस चीज़ का, लोगों की जिंदगी में खुशियों का सिंबल है। तो देखिए जो ये चूड़िया है, ये कौन डालता है, या तो ये सुहाग का प्रतीक मानी जाती है, जो कि हमारा इंडियन वर्ड है सुहाग, यानी कि एक मैरिड
वुमेन होती है जो, एक शादीशुदा औरत होती है जो, या फिर कुछ लड़कियां जो कि इसको पवित्रता का सिंबल मान के पहनती है, यानी कि ये किसका ऑस्पिशियसनेस यानी कि पवित्रता का प्रतीक ये मानी जाती है जो ये चूड़िया होती है। तो ये दो प्रतीक है, या तो सुहाग का या फिर पवित्रता का प्रतीक, होलीनेस का प्रतीक है ये चूड़िया, ये दो सिंबल है यहाँ पर। और ये क्या करती है, जिंदगी में खुशियाँ ही लेकर आती है। आपने देखा होगा या तो शादीशुदा औरतें जिनका सुहाग होता है, जिनके हस्बैंड जिंदा होते हैं, ये वो डालती है औरतें, या फिर कौन होती है, कुछ ऐसी लड़कियाँ होती है जो इनको पवित्र मानती है, जो इनको अपना ट्रेडिशनल एक गहना समझती है, एक ज्वेलरी समझती है, यानी कि एक पारंपरिक आभूषण समझकर इनको लड़कियां पहनती है। तो दोनों ही तरफ ये ट्रेडिशन का प्रतीक है। और देखिए यहाँ पर रेडिएंट लीव्स, ये लाइफ में खुशी ही लेकर आती है। कभी भी एक विदाउट हस्बैंड, एक विडो यानी कि एक विधवा कभी भी चूड़ियां नहीं पहनती। ये हमारी इंडियन सोसाइटी में, हमारे इंडियन ट्रेडिशन में है। अब देखिए ये खुशियों का प्रतीक है, क्योंकि जिनके हस्बैंड जिंदा होते हैं वही डालती है। फॉर हैप्पी डॉटर्स, तो देखिए अब यहाँ पर इसका जो ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा था वेंगल सेलर ने कि कौन इन्हें खरीदेगा, अब उसका ये खुद ही रिप्लाई करते हैं, खुद ही जवाब देते हैं कि कौन इन्हें खरीदेगा। फॉर हैप्पी डॉटर्स, कि कोई व्यक्ति आएगा जो अपनी हैप्पी डॉटर्स के लिए यानी कि अपनी बेटियों के लिए इन्हें खरीदेगा, उनको खुश करने के लिए। एंड हैप्पी वाइव्स, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति भी आएगा यहाँ पर जो उनकी चूड़ियों को खरीदेगा अपने हैप्पी वाइव्स के लिए, यानी कि खुश करने के लिए, अपनी वाइव्स के लिए ये चूड़ियाँ खरीद कर लेकर जाएगा। यानी कि बेंगल सेलर अब पूरे स्टेंजे में क्या कहते हैं कि जो इनकी चमकदार ये चूड़ियाँ हैं ये कहाँ पर सेल करेंगे, ये टेंपल फेयर में सेल करेंगे, और वहाँ से कुछ लोग आएंगे जो मेलों में मेला देखने के लिए, वही अपनी बेटियों और अपनी पत्नियों के लिए ये चूड़ियाँ खरीद कर लेकर जाएंगे। जो चूड़ियाँ किस चीज़ का प्रतीक है, जो कि पवित्रता और सुहाग का प्रतीक है, एक खुशी का प्रतीक है ये चूड़ियाँ, ये बैंगल्स। अब देखिए यहाँ पर जो ये पूरा स्टेंजा है इसमें राइम स्कीम क्या निकल कर आती है, क्योंकि आपके एग्जाम में राइम स्कीम पूछी जाती है। तो राइम स्कीम की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम बात करें तो यहाँ देखिए बेयर फर्स्ट लाइन में है, बेयर लास्ट वर्ड, क्योंकि हम राइम स्कीम लास्ट वर्ड से ही देखते हैं। बेयर फेयर, तो देखिए यहाँ पर इनकी टोन है जो वो सेम है, यानी कि अगर इसको हमने ए नाम दिया, स्टार्टिंग में हम हमेशा ए नाम देते हैं, तो इसको ए नाम दिया तो फेयर में भी हमने ए नाम दिया। अब ब्राइट, अब फेयर ब्राइट, इनमें कोई ट्यूनिंग मैच नहीं करती तो इसको हमने नाम दिया बी। अब देखिए ब्राइट लाइट, इन दोनों की टोन मैच करती है तो इसको भी नाम दिया बी। अब देखिए लीव्स, लीव्स की टोन लाइट के साथ मैच नहीं करती, देखिए आई और ई, इनमें दोनों में डिफरेंस है इनकी ट्यूनिंग में, तो यहाँ पर हमने नाम दिया इसको सी। और वाइब्स लाइव्स, इन दोनों की सेम ट्यूनिंग है तो इनको हमने नाम दिया सी। तो इसके राइम स्कीम क्या निकल कर आई, ए ए बी बी सी सी, तो ये है इस स्टेंजे की राइम स्कीम। अब देखिए इसके बाद यहाँ पर क्या कोई हमारे पास फिगर ऑफ स्पीच निकल कर आती है, तो हाँ आती है। तो देखिए यहाँ पर रेनबो टिंटेड सर्कल्स ऑफ लाइट, तो देखिए रेनबो टिंटेड, तो देखिए कुछ इंद्रधनुष के कलर की जो बैंगल्स है देखने में किसके जैसी लगती है, तो किसके जैसी लगती है, तो जैसा जैसे वर्ड आते हैं तो ये क्या है, कंपैरिजन। और कंपैरिजन हम किस में करते हैं, या तो हम सिमली में करते हैं या फिर हम करते हैं मेटाफर में। तो यहाँ पर क्या सिमली है, सिमली वहाँ पर होती है जहाँ एज लाइक एंड सो इन वर्ड्स को यूज किया जाता है, तो वहाँ सिमली होती है। यहाँ पर एज लाइक सो वर्ड यूज नहीं हुए फिर भी कंपैरिजन किया गया है, तो ये हमारा क्या हुआ, मेटाफर। तो इसमें हमारी फिगर ऑफ स्पीच कौन सी निकल कर आई, लाइन नंबर 4 में फिगर ऑफ स्पीच है मेटाफर। तो यहाँ से हमारा ये स्टेंजा हुआ कंप्लीट, इतनी चीज़ें आपको यहाँ से पता होनी चाहिए। अब देखिए हम आते हैं सेकेंड स्टेंजा पर, सम आर मेट फॉर अ मेडन्स रिस्ट। अब देखिए जो ये बैंगल सेलर है ये क्या कहते हैं, सम आर मेट, कि कुछ चूड़ियाँ बनी हैं किन से मिलने के लिए,
मीट मीट मींस क्या होता है, किसी से मिलना, किसी से मीटिंग करना। तो किस से मिलने के लिए बनी है, किसके लिए ये बनी है? फॉर अ मेडन्स रिस्ट, एक मेडन की कलाइयों के लिए। रिस्ट क्या होती है, रिस्ट होती है कलाई जिस पर हम बैंगल्स पहनते हैं। तो किस लिए बनी है, एक मेडन की रिस्ट के लिए। मेडन होता है एक अनमैरिड गर्ल, तो मेडल किसको कहते हैं, अनमैरिड गर्ल को, जिसकी शादी नहीं हुई होती। अनमैरिड अनमैरिड गर्ल को क्या कहा जाता है, मेडन। तो देखिए कुछ चूड़ियाँ यहाँ पर सम किसके लिए यूज हुआ, बैंगल्स के लिए। कुछ चूड़ियाँ बनी हुई है एक मेडन की कलाई के लिए, एक कुंवारी लड़की की कलाई के लिए चूड़ियाँ बनी है जो वो सील कर रही है। सिल्वर एंड ब्लू, और ये कैसी है, तो देखिए आपको याद रखना है कि अलग अलग स्टैचू के अंदर पोइटस है जो ये वो अलग अलग लेडीज का, वुमेन का, गर्ल का जिक्र करती है। तो देखिए जिनकी शादी नहीं हुई है उनके लिए कैसी चूड़िया है, सेकंड स्टेंज में बताया गया है। नेक्स्ट में बताया गया है जिनकी शादी होने वाली है, जो कि दुल्हन बनने वाली है, उनके लिए किस टाइप की चूड़िया होती है, और जो दुल्हन बनने के बाद के एक्सपीरियंस से गुजर चुकी है उनके लिए किस कलर की चूड़िया है। तो आपको यहाँ से क्वेश्चंस याद रखने हैं क्या क्या बन सकते हैं। तो देखिए ये चूड़िया जो कि मेडन के लिए, जो कि अनमैरिड गर्ल्स के लिए है, वो किस किस कलर की है, सिल्वर एंड ब्लू। यानी कि इंडियन जो ट्रेडिशन है, इंडियन ट्रेडिशन में जो बैंगल्स पहनी जाती है अनमैरिड गर्ल्स के द्वारा, भी कैसे कलर की होती है, सिल्वर कलर की। यानी कि जो वाइट कलर होता है वो चूड़िया डालती है जो लड़कियां अनमैरिड होती है, एज द माउंटेन मिस्ट, या वो ब्लू डालती है। और देखिए इन कलर्स की तुलना कंपैरिजन किससे है, एज द माउंटेन मिस्ट, जैसे कि पर्वतों पर कोई मिस्ट होती है, कोई धुंध होती है। तो देखिए पर्वतों की धुंध से इन कलर्स का कंपैरिजन किया गया है, इन चूड़ियों के कलर का कंपैरिजन किया गया है। यानी कि कुछ चूड़ियाँ ऐसी है जो कि अनमैरिड गर्ल्स डालती है, जैसे कि किसी पर्वत पर धुंध हो, धुंध के रंग की। अब धुंध कैसी होती है, मिस्ट कैसे कलर की होती है, वो होती है वाइट कलर की। और कुछ चूड़ियाँ सम आर फ्लश्ड, कुछ चूड़ियाँ, कुछ बैंगल्स किस कलर की है, फ्लश्ड। फ्लश्ड मीन्स होता है जब किसी लड़की के चेहरे पर या तो शाइनेस के कारण, यानी कि शर्माने के कारण, एक लाल फेस हो जाता है, एक पिंक कलर का फेस हो जाता है, उसको हम फ्लश्ड कहते हैं। यानी कि कुछ चूड़ियाँ है जो किसी शर्माती हुई लड़की को शो करती है, कि एक लड़की है जो शर्माती है, वैसे कलर की चूड़ियाँ। यानी लड़की शर्माती है तो उसका फेस कैसा होता है, तो वो रेडिश हो जाता है, लाल रंग का हो जाता है। तो देखिए वही है यहाँ फ्लश्ड, यानी कि कुछ चूड़ियाँ कैसी है, लाल रंग की है, लाइक द बर्ड्स दैट ड्रीम। और ये चूड़ियाँ कैसी है, जैसे कि बर्ड्स हो, बर्ड्स क्या होता है, कुछ कोंपले होती है जो कि फ्लावर के खिलने से पहले कोंपले आती है किसी भी पेड़ पर, तो उसको हम बोलते हैं बर्ड्स दैट ड्रीम, जो कि सपने लेते हैं। तो देखिए बर्ड्स किसके लिए यूज किया गया है यहाँ पर, इन अनमैरिड गर्ल्स के लिए, जो कि क्या करती है, दैट ड्रीम, जो सपने लेती है। यानी ये जो गर्ल्स है ये सपने लेती है कोंपलों के जैसे, और क्या सपने हैं उनके, ऑन द ट्रैंक्विल ब्रो। ट्रैंक्विल ब्रो देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा ट्रैंक्विल मीन्स होगा क्वाइट, बिल्कुल साइलेंट प्लेस होता है जो। तो देखिए ट्रैंक्विल मीन्स बिल्कुल साइलेंट, या फिर क्वाइट आप इसको कह सकते हो, साइलेंट क्वाइट। और ब्रो मीन्स यहाँ पर होगा बैंक, यानी कि किनारा, किस चीज का किनारा, नदी का किनारा, यानी कि शांत किनारा हो जैसे। ऑन द ट्रैंक्विल ब्रो ऑफ अ वुडलैंड स्ट्रीम, वुडलैंड मीन्स जंगल में, जो स्ट्रीम, स्ट्रीम मीन्स एक धारा, एक नदियों की धारा बहती है जो जंगल के अंदर, और वहां पर कैसी जगह होगी, वो शांत होगी जगह बिल्कुल, और नदी के किनारे। तो ये क्या निकल कर आया यहाँ पर, देखिए मीनिंग सम आर फ्लश्ड लाइक द बर्ड्स दैट ड्रीम, और कुछ ऐसी कोंपलों की जैसी लड़कियां हैं जो कि कुछ चूड़ियां पहनती है लाल रंग की, क्योंकि वे शर्माने वाली लड़कियां हैं, शर्माती है वो लड़कियां। ऑन द ट्रैंक्विल ब्रो ऑफ अ वुडलैंड स्ट्रीम, और ये बर्ड्स कहाँ पर है, जो कि एक शांत किनारे पर, किसी जंगल में नदी के शांत किनारे पर ये लड़कियां, ये बर्ड्स है जो कुछ ड्रीम लेती है। यानी कि देखिए यहाँ पर नदी का शांत किनारा क्या हुआ, यानी कि अपनी लाइफ के उस मोड पर है जो कि
कोंपलों की तरह है वो लड़कियां, आज तक वो खिली नहीं है यानी कि उनकी शादी नहीं हुई है। तो देखिए यहाँ पर ब्लॉसम नहीं हुई है वे लड़कियां यानी कि उनकी शादी नहीं की गई है अभी और वो अनमैरिड गर्ल्स है। और ये अनमैरिड गर्ल्स सपने लेती है जब अपनी मैरिज के, तो वो शर्मा जाती है और उनका फेस लाल हो जाता है और वही लाल फेस है जो उसी कलर की चूड़ियाँ, उसी कलर की चूड़ियों का, उसी कलर के बैंगल्स का प्रतीक है ये कलर। सम आर अ ग्लो और कुछ ग्लो करती है, ग्लो मीन्स वही ब्राइट, कुछ चमकती है विद द ब्लूम दैट क्लीव्स, एक खिलावट के साथ जब वो खिल जाती है, ब्लूम दैट क्लीव्स, क्लीव्स मीन्स जब कोंपले, जब बर्ड्स फूट जाती है यानी कि जब ये कोंपले खिल जाती है, तो ये खिल जाती है जो फूट कर जब ये खिल जाती है तो ये चमकदार हो जाती है यानी कि जो ये अनमैरिड गर्ल्स है जब जब ये जिंदगी के उस मोड़ पर होती है कि इनको अगला मोड़ क्या मिलेगा, मैरिज का मिलेगा, ये मैरिज के सपने लेती है और खुद ही उनके बारे में सोचकर शाइनेस से फ्लश्ड हो जाती है, लाल हो जाती है और फिर ये चमकती है जब ये उन सपनों को सोचती है अपने माइंड में, यानी कि जो ये बर्ड्स है अब वो खिल जाती है, उनके माइंड में तरह तरह के सपने आते हैं, सपने संजोती है वो अपने लाइफ में कि किस तरह से उनका फ्यूचर होगा, उनकी लाइफ होगी जब उनकी मैरिज होगी। टू द लिम्प्ड ग्लोरी ऑफ न्यू बॉर्न लीव्स, और देखिए ये लिम्प्ड ग्लोरी, अब देखिए जो ये अनमैरिड गर्ल्स है, लिम्प्ड ग्लोरी, लिम्प्ड मीन्स क्लियर, बिल्कुल साफ स्वच्छ, अब भी देखिए साफ स्वच्छ चमक के यानी कि अपनी मैरिड लाइफ के वो सपने लेती है, जैसे कि न्यूबॉर्न लीव्स कि जब उनके नए पत्ते होंगे। अब देखिए ये गर्ल्स है जो इन बर्ड्स की तरह है, जैसे कोंपले किस चीज़ के सपने लेती है, वो लेती है अपने ऊपर पत्तों के खिलने के सपने लेती है यानी कि अपने फ्यूचर के सपने लेती है कि उन पर ये पत्ते खिलेंगे, ये सोचकर वे शाई हो जाती है, फ्लश्ड हो जाती है। ठीक उसी तरह से जो ये अनमैरिड गर्ल है वो भी क्या हो जाती है, चमक उठती है यानी कि चमक उठती है किस चीज़ के सपने लेकर, अपनी आने वाली मैरिज लाइफ के सपने लेकर। और देखिए इन चूड़ियों को एक गर्ल्स के साथ कंपेयर किया गया है, एक बर्ड के साथ कंपेयर किया गया है, तो देखिए चूड़ियों का तो कंपैरिजन है बर्ड्स के साथ यानी कि जो ये बैंगल्स है इनका कंपैरिजन इन कोंपलों के साथ है जो कि भविष्य में अपने ऊपर लीव्स के खिलने को सोचकर शर्मा जाती है यानी कि उनकी मैरिज लाइफ के बारे में, उनके फ्यूचर को सोचकर भी शर्मा जाती है। ठीक उसी तरह से बर्ड्स का कंपैरिजन अनमैरिड गर्ल्स के साथ है, जैसे बर्ड्स आगे की लाइफ को सोचकर शर्माती है कि कैसे उन पर पत्ते खिलेंगे, ठीक उसी तरह से जो ये अनमैरिड गर्ल्स है ये भी अपनी फ्यूचर लाइफ को, अपने फ्यूचर को सोचकर शर्मा जाती है और वही शर्म है जो उनकी, जो उनके फेस पर होती है, एक शाइनेस होती है, एक शर्माना होता है जो, और एक कलर होता है लाल रंग का, उस कलर की बैंगल्स यहाँ पर दिखाई गई है। अब कौन कौन से कलर की बैंगल्स हुई, तो वो हुई सिल्वर ब्लू एंड फ्लश्ड यानी कि रेड कलर की बैंगल्स हुई यहाँ पर जो कि अनमैरिड गर्ल्स के लिए यूज की गई है। अब देखिए यहाँ पर राइम स्कीम की बात करें, तो देखिए रिस्ट इसको हमने नाम दिया ए, रिस्ट के साथ मैच करता है मिस्ट तो इसको भी नाम दिया ए, ड्रीम ड्रीम मिस्ट के साथ मैच नहीं करता तो देखिए ड्रीम मिस्ट यहाँ पर स्मॉल ई की साउंड है और ड्रीम यहाँ पर लॉन्ग जो हमारा वोवल है ई उसके साउंड है तो ये दोनों मैच नहीं करते। अब ड्रीम स्ट्रीम दोनों में ही जो लॉन्ग वोवल है ई उसकी है साउंड तो यहाँ पर बी और बी, और क्लीव्स लीव्स यहाँ पर देखिए स्ट्रीम और क्लीव्स इनकी आपस में मैच नहीं करती तो यहाँ दोनों की होगी जो राइम स्कीम वो रहेगी सी सी, तो यानी कि सेम राइम स्कीम यहाँ पर भी निकल कर आई ए ए बी बी सी सी। तो देखिए थर्ड स्टैंजा के अंदर जो बैंगल सेलर है, जो नरेटर है, यहाँ पर स्पीकर है, वो क्या कहता है, सम आर लाइक फील्ड्स ऑफ सनलिट कॉर्न कि कुछ चूड़ियाँ, सम जहाँ पर भी यूज हुआ है वो बैंगल्स के लिए यूज हुआ है, चूड़ियों के लिए यूज हुआ है, सम आर लाइक फील्ड्स ऑफ सनलिट कॉर्न कि कुछ बैंगल्स कैसे कलर की है, जैसे कि फील्ड्स में
सनलाइट जब, सनलिट मीन्स सनलाइट यानी कि सूर्य की रोशनी, कोन पर, कोन क्या होता है, कोई अनाज जैसे कि मक्का होता है, धान होता है, तो उसको बोलते हैं हम कोन। तो देखिए कुछ चूड़ियों का रंग ऐसा है जब जैसे कि कोन पर, मक्के पर, मक्के की फसल पर सूरज की रोशनी पड़ती हो। मेट फॉर अ ब्राइड ऑन हर ब्राइडल मॉन। और देखिए इस कलर की चूड़िया यानी कि सनलाइट जब मक्के की फसल पर पड़ती है और वो सब कुछ येलोइश हो जाता है, तो वे चूड़िया किस चीज के प्रतीक बताई गई है, तो वो एक ब्राइड के लिए बताई गई है, यानी किसके लिए यूज की जाएगी वो चूड़िया, वो एक ब्राइड के लिए, पीले कलर की चूड़िया। वो कब पहनेगी ब्राइड, हर ब्राइडल मोर्न, मोर्न मीन्स मॉर्निंग, यानी कि अपनी सादे की सुबह, जब उसके सादे होगी उस दिन, जब एक ब्राइड किस कलर की चूड़िया पहनेगी, वो पहनेगी सनलाइट कलर की, यानी सूर्य की रोशनी होती है जो उस कलर की, यानी कि चमकदार रंग बिरंगे कलर्स की चूड़िया जब वो पहनेगी, तो वे चूड़िया किस चीज का प्रतीक होगी, वो होगी शादी का प्रतीक, यानी कि वे औरतें जिनकी शादी होती है, यानी कि शादी के दिन ये औरतें किस कलर की चूड़िया पहनती है, तो वो पहनती है सनलाइट कलर की। सम लाइक द फ्लेम ऑफ हर मैरिज फायर। और कुछ चूड़िया किसके जैसी, लाइक द फ्लेम, जैसे कि अग्नि होती है, आग होती है, फ्लेम होती है, ऑफ हर मैरिज फायर। मैरिज फायर मीन्स यहाँ पर होगा शादी के दिन जब एक आग जलाकर एक हस्बैंड एक वाइफ यानी कि एक ब्राइड एंड ग्रूम जब बोझ लेते हैं, यानी कसमें खाते हैं अग्नि के चारों तरफ घूमकर, फायर के चारों तरफ घूमकर, हमारी इंडियन ट्रेडिशन में हिंदू फैमिलीज होती है जो, उनमें यज्ञ के चारों तरफ, आग के चारों तरफ घूमकर कुछ कसमें खाई जाती है, एक ब्राइड के द्वारा और एक ग्रूम के द्वारा। तो देखिए जो आग होती है जिसकी तरफ कसमें खाई जाती है, उस आग के रंग की जैसी, यानी कि कैसी होगी वो, येलोइश रेड, यानी कि पीले और लाल रंग की जो फ्लेम होती है, यानी जो आग होती है, उस आग के रंग की जैसी, जिस पर पति पत्नी कसमें खाते हैं अपनी मैरिज के दिन, तो कुछ चूड़ियाँ उन कलर्स के जैसी होगी जैसे कि आग के रंग होते हैं, फायर के रंग होते हैं। और रिच विद द ह्यू ऑफ हर हर्ट्स डिज़ायर। और शादी के वक्त जो एक औरत के अंदर उसके हार्ट में एक डिज़ायर होती है, एक इच्छा होती है, उसकी जो इच्छाएं होती है आज तक की जो उसने संजोई होती है अपने दिल में, तो उस ह्यू की है, ह्यू होता है कलर, तो उस रंग की रिच विद दी ह्यू, यानी कि उस रंग के साथ भरी हुई, यानी डिजायर्स जो भरी हुई है उस औरत के दिल में, तो उस रंग की प्रतीक कुछ चूड़िया भी मेरे पास है। उन औरतों के लिए भी कुछ बैंगल्स मेरे पास है जिनकी आज शादी है, जिनके दिलों में अलग अलग रंगों की, अलग अलग ह्यूज की, अलग अलग ह्यू की क्या है, डिजायर्स है, तो उन रंगों की चूड़िया भी मेरे पास है। टिंकलिंग लुमिनियस टेंडर एंड क्लियर लाइक हर ब्राइडल लाफ्टर एंड ब्राइडल टीयर। और कुछ चूड़िया ऐसे रंग की भी है जो टिंकलिंग है और ल्यूमिनियस है, टेंडर है, क्लियर है, यानी अब चूड़ियों की विशेषता बताई है, किसकी विशेषताओं के साथ, उस ब्राइडल की विशेषताओं के साथ। अब देखिए जब ब्राइडल हंसती है तो हंसी उसकी किसमें दिखाई गई है, टिंकलिंग में। टिंकलिंग क्या होता है, जब बैंगल्स बजती है, खनखनाहट की आवाज जो झंकार होती है, यानी बैंगल्स की जो खनखनाहट होती है वो इस ब्राइडल की, इस दुल्हन की लाफ्टर के साथ कंपैरिजन किया गया है, यानी कि जैसे चूड़िया हंसती है तो वो चूड़िया ब्राइडल की लाफ्टर दिखाती है, यानी कि चूड़ियों की झनझनाहट उस दुल्हन की हंसी को दिखाती है। ल्यूमिनियस मीन्स चमकदार। और देखिए जब ये ब्राइडल हंसती है तो इसका फेस चमक उठता है, तो ठीक उसी तरह से ये चूड़िया है, ये बैंगल्स है, ये भी ल्यूमिनियस है, चमकदार है। टेंडर, टेंडर मीन्स केयरिंग। और ये ब्राइडल की तरह ही, एक दुल्हन की तरह ही केयरिंग भी है। एंड क्लियर, क्लियर किसके जैसी, ब्राइडल के टीयर की जैसी, यानी जैसे, अब देखिए ब्राइडल की टीयर क्यों बताई गई है, एक जब ब्राइडल होती है, एक दुल्हन होती है, उसके मन में टू टाइप्स की भावनाएं होती है, फीलिंग्स होती है, टू टाइप्स की फीलिंग्स होती है, एक होती है उसे अपने पति के घर में जाने की खुशी, यानी कि अपनी शादी की खुशी होती है, अपनी लाइफ की आगे बढ़ने की खुशी होती है, तो दूसरी क्या होती है भावना उसकी, तो वो होती है दुख की भावना, जो उसे अपने
फादर के अपने पेरेंटल हाउस अपने माँ बाप के घर को छोड़ने का दुख होता है तो उसमें क्या होता है, टीयर होते हैं, कुछ आंसू होते हैं। तो ये दो भावनाएं यहाँ पर दिखाई है, दो फीलिंग्स दिखाई है। हंसी खुशी है जो इस दुल्हन की, वो दिखाई है ट्विंकलिंग लुमिनस के थ्रू। और देखिए टेंडर और क्लियर, यानी कि उसने इस ब्राइडल ने, इस दुल्हन ने जो इसके आंसू है जो ये बहाते हैं अपना घर छोड़ते वक्त, अपने पेरेंट्स का घर छोड़ते वक्त, वो कैसे दिखाई है, क्लियर। जैसे कि बैंगल्स का रंग होता है बिल्कुल क्लियर होता है, साफ सुथरी बैंगल्स है, टेंडर बैंगल्स है। तो वही चीज़ें यहाँ पर कंपैरिजन करके बताई है फीलिंग्स के साथ इस दुल्हन की, कि कुछ चूड़ियाँ झनझनाहट करती है, खुशी दिखाती है ब्राइडल की, और कुछ क्लियर होती है उसके आंसुओं के जैसे जब वो अपने पेरेंट्स का घर छोड़ती है। अब देखिए यहाँ पे राइम स्कीम कॉर्न मोर्न, तो यहाँ ए फायर डिजायर, बी क्लियर टीयर, तो यहाँ पर क्या होगी सी सी, तो यहाँ पर क्या निकल कर आई राइम स्कीम, सेम ए ए बी बी एंड सी सी। अब देखिए यहाँ पर जो लाइक है, लाइक फील्ड्स ऑफ सनलिट कॉर्न, कुछ चूड़िया किसके जैसे बताई गई है, तो यहाँ पर लाइक वर्ड यूज हुआ है, तो क्या हुआ ये सिमली हुआ, लाइक देखते ही, एज देखते ही आप सिमली यूज कीजिएगा। अब देखिए फोर्थ स्टैंजे पे आ जाते हैं, सम आर पर्पल। अब देखिए जो ये बैंगल सेलर है, अब नेक्स्ट फेज में, अब देखिए पहले इन्होंने बात की थी खुद के बारे में कि हम चूड़ियाँ जो बेचने जा रहे हैं किन के लिए है, वो लड़कियों के लिए है और वो है पत्नियों के लिए। और दूसरे स्टैंजे में क्या कहा इस स्पीकर ने, इस चूड़ी बेचने वाले बैंगल सेलर ने क्या कहा, उसने कहा कि कुछ चूड़ियाँ इन लड़कियों के लिए है। थर्ड स्टैंजे में उन लड़कियों के नेक्स्ट जो फेज आता है लाइफ का, यानी कि जब वो दुल्हन बनती है तब की बात कही है, शादी के दिन की बात कही है, तो वो है थर्ड स्टैंजे में। शादी के बाद का जो फेज आता है मैरिड लाइफ में, जो फेज आता है अब उसकी बात की गई है, जब ये दुल्हन है जो एक माँ बन जाती है, यानी अब उनके बच्चे जब हो जाते हैं तब का ये फेज है। अब उनके लिए किस टाइप की चूड़िया है जो ये बैंगल सेलर सेल करते हैं, सम आर पर्पल। तो ये कैसे कलर की है, पर्पल कलर की चूड़ी यहाँ पर दिखाई गई है, कि जो भारतीय परंपरा है, इंडियन ट्रेडिशन है, उसमें एक माँ पर्पल कलर की, बैंगनी कलर की चूड़िया पहनती है, एंड गोल्ड फ्लैक्ड ग्रे, जिन पर क्या होता है गोल्ड कलर के फ्लैक्ड, फ्लैक्ड क्या होता है धारियां होती है, स्पॉट होते हैं, कुछ धब्बे से बने होते हैं, फ्लैक्ड ग्रे, और यहाँ पर क्या है गोल्ड और ग्रे कलर के कुछ धब्बे बने हुए हैं इन चूड़ियों पर, यानी धब्बों वाली चूड़ियाँ जिन पर के कुछ निशान बने हुए हैं बैंगनी कलर के बैंगल्स पर। तो ये कौन डालती है, ये माँ के लिए है, एक औरत के लिए है जो माँ बन चुकी है। फॉर शी हु हैज जर्नीड थ्रू लाइफ मिडवे, ये उस औरत के लिए है जिसने अपनी जर्नी बढ़ा दी है, यानी वो अपनी जर्नी कर चुकी है, किसके लिए, थ्रू लाइफ मिडवे। मिडवे क्या होता है, जब लाइफ का मिडवे यानी आधा रास्ता आ जाता है दुल्हन बनने के बाद, एक लड़की, लड़की से दुल्हन और दुल्हन से एक माँ बनने तक का सफ़र है, उसको इन्होंने लाइफ मिडवे कहा है। अब देखिए जो ये औरत है जिसने अपनी जर्नी कर ली है, अपनी यात्रा कर ली है लाइफ के मिडवे की, अपनी जिंदगी के आधी इसने बिता ली है ब्राइडल से, वो अब माँ बन चुकी है। हुज हैंड्स हैव कैरिस्ट, जिसके हाथों ने किसी को दुलारा है, यानी कि कैरिस्ट क्या होता है, किसी की केयर करना, किसी को उठाकर दुलारना, जैसे एक बच्चे के लिए यूज किया गया है यहाँ पर, कि जिसके हाथों ने किसी को दुलारा है, कुछ सपने संजोए हैं, उसके कुछ ओपिनियंस हैं अपने बच्चे के बारे में। हुज लव हैज ब्लेस्ड, जिसका प्यार ब्लेस्ड हो चुका है, यानी इसने बहुत सी केयर दी है अपने बच्चे को, एंड क्रेडल्ड फेयर सन्स ऑन हर फेथफुल ब्रेस्ट, और इसने पालने में झुलाकर अपने फेयर सन्स को, अपने प्यारे बच्चों को, अपने बेटों को पालने में झुलाने के बाद फेथफुल ब्रेस्ट, और इसे दूध भी पिलाया है, यानी कि जो ये औरत है इसने अपने बच्चे को बहुत केयर दी है, तो उसके बारे में ही बताया है। एंड सर्व्स हर हाउस होल्ड इन फ्रूटफुल प्राइड, और हमेशा ही उसने सर्विस की अपने हाउस होल्ड की, अपने घर के कामों में उसने हमेशा ही सेवा की है इन फ्रूटफुल प्राइड। और फ्रूटफुल मीन्स यहाँ पर क्या होगा, कि जो कुछ उसने आज तक किया फ्रूटफुल प्राइड उसको मिलना चाहिए, यानी कि जो कुछ उसने किया उसका परिणाम। तो देखिए ये स्टार्टिंग में एक बेटी बनकर जिया एक औरत ने, उसके बाद वो दुल्हन बनी, उसने अपना घर छोड़ा और सारे फर्ज निभाए अपने पति के घर में आकर, उसके बच्चों को पालकर। तो देखिए ये सभी फर्ज उसने निभाए जिसका उसे परिणाम मिला है प्राइड के रूप में। हमें, यानी कि हमें जो महिलाएं हैं उन पर गर्व होना
चाहिए कि उसने अपनी सारी जिम्मेवारियां फ्रूटफुल मैनर में यानी एक उन्नत तरीके से प्रफुल्लित होकर गर्भित तरीके से उसने अपनी सारी जिम्मेवारियां घर के कामों तक की निभाई है एंड वर्शिप्स द गॉड्स एट हर हस्बैंड साइड और उसने हमेशा ही भगवान को पूजा हस्बैंड के लिए अपने अपने पति के लिए भी वो हमेशा ही समर्पित रही भगवान को पूजती रही अपने हस्बैंड की साइड से। तो देखिए यहाँ पर भी राइम स्कीम सेम ही निकल कर आएगी AABBCC। तो ये हुई हमारी कंप्लीट पोइम द मैंगल सेलर्स। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए।